तो कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से यहाँ पर प्रीता बोलती हुई नजर आने वाली है कि आखिरकार मेरे दोनों बच्चे कहाँ पर गए हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राजवीर इस समय लूथरा हाउस जा चुका है और यहाँ पर सीधा सीधा काव्या बुलाने के लिए आई है। जी हाँ, हालांकि काव्या को इस समय जब सौर्य ने देखा है तो अब सौर्य प्लानिंग कर रहा है कि किसी भी तरीका से राजवीर और पलकी दोनों की बेइज्जती की जा सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पलकी की बेइज्जती करने के लिए इस समय बहुत बड़ी प्लानिंग रचता हुआ नजर आ रहा है इस समय सौर्य। और साथ ही दोस्तों बात की जाए राजवीर की, तो राजवीर से पलकी ने बोल दिया है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, उधर घर तुम्हारा सब इंतजार देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों पलकी तो ना दिखाई दी सौर्य को, लेकिन राजवीर से लगातार उसके राजवीर की इंसल्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग जानते ही हैं कि एक सोची समझी प्लानिंग बेहद ही अलग तरीका से कर रहा है सौर्य, और सौर्य की हमेशा से ही देखा गया है कि अभी तक जो भी करता आया है वो हमेशा दूसरों को भड़काने के अलावा तीसरा रास्ता कुछ है ही नहीं सौर्य के पास में। लेकिन दोस्तों इस समय की बात की जाए तो सभी लोगों को जल्दी ही पता लगने जा रहा है कि आखिरकार राजवीर कोई और शख्स नहीं है बल्कि करण लूथरा के भाई, करण लूथरा के बेटे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जल्दी ही प्रीता का जब सच सामने आएगा कि प्रीता जिंदा है और राजवीर की माँ है, जिसके बाद में सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रहने वाली है कि राजवीर अनाथ नहीं है बल्कि राजवीर तो एक अच्छे खासे घर से है। जिसके बाद में इधर राखी माँ बोलती हुई नजर आने वाली है कि मुझे तो लगता था कि ये मेरा पोता है, लेकिन ये तो हकीकत में बात मेरी सच हो गई। आप लोग जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा करण खुश होगा और उससे ज़्यादा इस चीज़ पर ऋषभ खुश होता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो आखिर कैसी लगती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू गाइज एंड लव यू ऑल ऑफ यू।